शहर के सामने घाट स्थित नव निर्मित रामनगर के पुल के जोड़ में सुराख हो गया है। 97 करोड़ की लागत से बना यह पुल 2 बार की बारिश भी नहीं झेल पाया। इस रामनगर के पुल का उद्घाटन 2017 में पीएम मोदी ने खुद किया था। आपको बता दें कि बनारस में लगातार 2 दिन तक भयंकर बारिश हुई थी, जिससे शहर के कई क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग हो गया है, जिसकी वजह से लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। जल जमा होने की स्थिति में तत्काल राहत और पानी निकालने की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए गए थे। समस्या वाले स्थानों पर अधिकारियों को खुद दौरा करने को कहा गया था। जी, मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं रामनगर का ही निवासी हूँ। रंजीत जी, ये पुल किस नाम से जाना जाता है? ये पुल देखिए, नाम का तो कहने का मतलब है कि ये लंका और रामनगर को जोड़ा जाता है, वो पुल है। क्या हुआ है आपके साथ? जी, मैं परसों दिन बारिश में जा रहा था, रात को बच्चों के साथ मस्ती करते हुए कार में, और मेरी कार का एक चक्का जो है, इस आप देख सकते हैं, इस गड्ढे में फंस गया और मेरी कार का बम्पर जो है क्षतिग्रस्त हो गया। तो एक साइड से कार बैठ गई, जो मुझे अगल बगल जो है पैदल जाते हुए लोगों ने मुझे धक्का दे करके जो है कार को निकाला और मैं बच पाया। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद है, उन्होंने हरी झंडी दिखा के स्कूल का उद्घाटन किया था। उन्होंने अपने वोट पाने के लिए, एक गंदी राजनीति करते हुए वोट पाने के लिए इस पुल को जल्दी जल्दी कच्चे माल, नकली माल से जो है तैयार किया, और मैं सीधा सीधा उनको दोषी न देते हुए यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत और ठेकेदार को जो है मैं दोषी ठहराना चाहता हूँ और उनके खिलाफ़ एक कड़ी कार्रवाई चाहता हूँ। एक बड़ी हादसा हो सकती थी अगर? जी, ये एक बहुत बड़ा हादसा इसमें हो सकता है। अगर कोई बाल बच्चा साइकिल से आते जाते वो गिर जाएगा तो मिलेगा तक नहीं, वो गायब ही हो जाएगा, पुल के नीचे चला जाएगा।